हेलो एवरीवन, मैं फिर आज आपके पास बासुन दत्ता क्लास 12 और चैप्टर है आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। उसका मैं 52 नंबर सम देने जा रही हूँ, जो कि आपका अदर देन कैश का ही है। इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश एंड अदर वे ऑफ इशूइंग शेयर, उसी का मैं आपका 52 जो गोड़ा एंड कंपनी लिमिटेड है, इसका मैं अभी कंटिन्यू उसी का दे रही हूँ। तो आज मैं ये देने जा रही हूँ। और हाँ, तो प्लीज़ आपको मैं हर वीडियो में एक ही बात बोलती हूँ और हर बार बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप कोई भी वीडियो चैप्टर करने से पहले पार्ट वन वीडियो देख लीजिए। पार्ट वन में मेरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आप नहीं समझिएगा, नहीं देखिएगा पार्ट वन कोई भी चैप्टर का, पार्ट वन वीडियो देख के समझिएगा, बट इस चैप्टर का हर वीडियो देखिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ मैंने थ्योरी नया नया बताया है, तो इसी वजह से। तो चलिए, गोड़ा एंड कंपनी ऐसा मैंने सब पिछले बार भी दिया था, बट फिर भी अब मैं दे रही हूँ क्योंकि कमेंट आ रहे हैं। तो देखिए, तो 52 नंबर आपका अलग होगा क्योंकि मेरा ये बुक ओल्ड एडिशन है। और हाँ, जिसको भी ओल्ड ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्यूशन लेना है, प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। मेरा पेज नंबर 233 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का गोड़ा एंड कंपनी लिमिटेड 52 नंबर सम में आपका, देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। परचेस किया है 4,18,000 फ्रॉम SKS लिमिटेड गोड़ा एंड कंपनी लिमिटेड। इशू इक्विटी शेयर 100 ईच, फुल्ली पेड इन सेटिस्फैक्शन ऑफ द परचेस ऑफ कंडीशन। देखिए, आपको तो ये पता है एसेट खरीदा है इतना में 4,18,000 में, ठीक है, और आपका इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू है 100 ईच, ठीक है। आपको कुछ सो द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ गोड़ा एंड कंपनी लिमिटेड करना है। उसमें आपको बोल रहा है फर्स्ट नंबर में एट पार करके करना है, दूसरे में एट प्रीमियम। मैंने इसलिए इतना फास्ट करी हूँ क्योंकि मैंने सेम सम अपलोड किया हुआ था, पता नहीं क्यों मुझे कमेंट आ रहा है, इसलिए मैंने फिर से ये अलग सम कर रही हूँ, बट सेम टू सेम ही है। सेकेंड नंबर में एट प्रीमियम है आपका 10%, थर्ड नंबर में एट डिस्काउंट है 5%। तो चलिए, हम लोग 52 नंबर सम सॉल्व करते हैं। देखिए, मैंने नरेशन नहीं दिया, आपको नरेशन देना कंपलसरी है। मेरा कोई भी वीडियो देख लीजिएगा नरेशन वाला, सबका एक ही होता है, तो आपका खाली वही फेस वैल्यू और शेयर्स चेंज होते हैं, बाकी सब एक ही होते हैं, तो आप देख के कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन शेयर ये नरेशन दीजिएगा ज़रूर। चलिए, 52 नंबर इन द बुक्स ऑफ लिख लीजिएगा गोड़ा एंड कंपनी लिमिटेड। मैंने यहाँ पे वो नहीं बनाया है फॉर्मेट, आप ठीक से करिएगा फॉर्मेट बना के। डेट यहाँ पर्टिकुलर्स होगा, लेजर फॉलियो यहाँ पे, अमाउंट डेबिट क्रेडिट अमाउंट, ठीक है, जैसे यहाँ फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है वैसे ही आपको नीचे करना है, ठीक है। तो चलिए, पहला जर्नल तो आपको देखिए क्या खरीदा है। देखिए, जो बोला है एसेट बोला है फर्नीचर में, फर्नीचर मशीनरी नहीं बोला, एसेट बोला है, तो आपको एसेट ही लिखना है। ऐसा एसेट अकाउंट डेबिट टू SKS लिमिटेड। SKS क्यों? क्योंकि वो खरीदा है किससे, ये देखिए SKS लिमिटेड से अमाउंट ही दे दिया है, तो आपको इस वाले अदर देन कैश वाले में अमाउंट ही दिया रहेगा। 4,18,000 दिया हुआ है बुक में, डायरेक्ट बिठा दीजिएगा, यहाँ पे नरेशन दे दीजिएगा, फर्स्ट नंबर आ जाइए। एट पार ये है, एट अ प्रीमियम ये है, और डिस्काउंट ये है, ठीक है। तीन तो बोला है, तीनों मैंने रोमन नंबर दे दिया। 1 SKS लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये जर्नल आपको बार बार नहीं बिठाना होगा, एक बार लिख के बस तीनों बिठा दीजिए। SKS लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 100 आपका फेस वैल्यू था। देखिए, शेयर आपको निकालना पड़ेगा, शेयर निकालने के लिए जो अमाउंट आपका 4,18,000 है, उसे आप 100 को डिवाइड कर दीजिए, 4,180 शेयर निकल गए, तो 4,180 को 100 से किए तो इतना मिल गया, ठीक है। चलिए, अब दूसरा जर्नल देखिए, ये एट पार में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रीमियम आ जाइए। SKS लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इसका भी शेयर अलग निकालना पड़ेगा, वर्किंग नोट में 1 ये एट पार का निकला, 1 नंबर का, 2 का देखिए वही अमाउंट, सिर्फ 4,18,000 का 110 क्यों हुआ। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले देखिए 52 है, ये 100 रुपीज़ है, इस 100 को आप 10% इस 100 पे निकालिए, तो कितना हो जाएगा, 10 ही होगा, तो ये 100 और ये 10 तो कितना हो गया, 110 हो गया, तो यही 110 है, ठीक है। आपको फिर मैं बता रही हूँ, 100 पे इंटू 10% करिए, 10% 100 पे निकालिए, 10 रुपीज़ हुआ, 10 रुपीज़ और वो 100 रुपीज़ कितने हो गए, 110, 100 प्लस 10 तो 110 हो गए। अब हमेशा प्रीमियम बढ़ता है, तो वैसे इसको डिवाइड कीजिए, तो 3800 आपको शेयर मिल गया। 3800 से आपका यहाँ पे कैपिटल में तो 100 ही होगा, प्रीमियम कितना है, 10 रुपया, क्योंकि 10 रुपया निकला था ना, 100 से 10 को परसेंट करिएगा तो 10 रुपया निकलेगा, तो इससे करिएगा, तो यहाँ पे आ गए 38,000 प्रीमियम, 3,80,000 हो गया आपका कैपिटल में, दोनों ऐड करिएगा तो 4,80,000 डेबिट में, ठीक है। अब आ जाइए डिस्काउंट, डिस्काउंट में घटता है 5%, सेम वैसे ही 100 रुपीज़ में इस 5% को करिए, तो कितना होगा, 5 ही रुपीज़ होगा, मतलब 100 पे इंटू 5%, ठीक है, तो 5 रुपीज़ ही हुआ, तो 5 रुपीज़ आप 100 से माइनस कर दीजिए, क्योंकि डिस्काउंट है, तो 4,18,000 वही अमाउंट जो आपको बुक में गिवेन है, उससे 95 को डिवाइड कीजिए, तो आपको मिल जाएगा कितना शेयर्स, 4,400,
4400 शेयर्स। अब देखिए इसका जनरल SKS लिमिटेड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4400 का आपका डिस्काउंट 5 रुपीज़ ही निकला था, 100 का जब 5% करिएगा तो 5 ही निकलेगा तो डिस्काउंट हो गया। 100 आपका कितना हो गया, 100 तो फेस वैल्यू बुक में ही दिया था तो यहाँ पे ये हो गए। और ये है, याद रखिएगा डिस्काउंट हमेशा डेबिट होता है, जैसे प्रीमियम क्रेडिट होता है वैसे डिस्काउंट डेबिट। तो यहाँ पे 100 करके किए तो 440,000 हुआ, ठीक है। इसका तो अमाउंट दिया ही है 418,000। और ये जो डिस्काउंट है वो क्यों ये हुआ, देखिए 4425 कीजिए तो 22,000 होगा। अब इन दोनों को ऐड करिए तो ये मिल जाएगा, ठीक है। 100 तो आपका बुक में फेस वैल्यू ही था, 5 रुपये डिस्काउंट हुआ, डेबिट तो आपको पता ही है बुक में गिवेन है 418,000, ठीक है। तो ये रहा आपका तीनों का वर्किंग नोट, और ये तीनों का जनरल एट पार एट प्रीमियम एट डिस्काउंट और ये नॉर्मल, ठीक है। बहुत जन क्या करता है ऐसे बनाएगा एक बार, फिर यही जनरल इसमें भी बिठाएगा, फिर यही जनरल, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक बार लिख के फिर तीनों भी दे सकते हैं, लेकिन नरिशन देना ज़रूरी है। ये रहा आपका अमाउंट, ठीक है। शेयर सॉफ्टवेयर ज़रूर निकालिएगा वर्किंग नोट में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।